सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आप किसी मुलायम से बेड पर नहीं, कूड़े के ढेर के बीचों बीच सोए हैं और आपकी महंगी चमचमाती गाड़ियां गैरेज में रखी धूल खा रही है। हवा सॉरी, हवा में सिर्फ गंदगी ही गंदगी। क्यों, क्या हुआ? सोचकर ही पैरों तले जमीन किसे कही ना। लेकिन अगर हम ऐसे ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, मेरा मतलब है दुरुपयोग करते रहें, तो ये दिन दूर नहीं। इस कड़ी चुनौती से लड़ाई करने के लिए जरूरत है सख्त कदम उठाने की, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जोर देते आए हैं। इसीलिए तो वो हमें प्रेरित करते आए हैं CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस इस्तेमाल करने के लिए। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 सबूत है भारत की इस नई CBG क्रांति का, कंप्रेस्ड बायोगैस रेवोल्यूशन, जिस दिशा में एक बड़ी छलांग है सतत पहल, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। पीएम के इसी विजन को अपना लक्ष्य बनाकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है शुरुआत सतत पहल की। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में लॉन्च की जा रही ये पहल महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें कचरा, कूड़ा, पशुमल और फसलों के वेस्ट से होगा बड़े स्तर पर स्वच्छ हरित ईंधन का सृजन। वैसे जो बात इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है वो है PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL से भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स को बड़े स्तर पर CBG उत्पादन के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन। उत्पादित CBG को ईंधन स्टेशन नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए कैस्केज का उपयोग और जैव खाद, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पादों की बिक्री से होने वाला लाभ। वैसे एक अनुमान के अनुसार भारत में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रतिवर्ष क्षमता है 62 मिलियन टन, और देश में है 1500 CNG स्टेशन जो दे रहे हैं 32 लाख वाहनों को अपनी सेवाएं। सोचिए, जब सतत पहल से साल 2023 तक लगभग 5000 CBG प्लांट्स होंगे, उत्पादन क्षमता होगी लगभग 15 मिलियन टन, तो कितनी बड़ी संख्या में वाहनों में CBG का इस्तेमाल होगा संभव। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, शुगरकेन प्रेस मड, डिस्टिलरी स्पेंट वॉशेस, कैटल डंग, रॉटन वेजिटेबल्स, डेयरी प्लांट्स, चिकन पोल्ट्री लिटर, ये सब वो वेस्ट के नाम हैं जिन्हें हम पहले जला दिया करते थे, जाने अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। सोचिए, अब इसी वेस्ट से होगा CBG यानी कंप्रेस बायोगैस का उत्पादन, और आने वाले समय में OMC फ्यूल स्टेशंस के अलावा CGD पाइपलाइंस के द्वारा भी वितरण संभव हो और CBG की आपूर्ति बढ़े। इसीलिए CBG नेटवर्क को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने का भी प्लान है ना कमाल। मतलब आज जो कचरा है कल वही गाड़ियों में फ्यूल बन के दौड़ेगा, और होगी कच्चे तेल की खरीदी पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत। इसके अलावा भी प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ेंगे, किसानों की होगी अधिक आय, कार्बन लेवल होगा कम, और हाँ, सबसे बढ़कर पर्यावरण होगा स्वच्छ। तो आइए आज हम और आप भी इस सतत पहल का हिस्सा बनते हैं और लिखते हैं किस्सा नए भारत का। सतत पहल, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। जय हिंद।